नमस्कार, मैं हूँ मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। मैं आज आपके लिए फिर एक और बड़ा सर्वे लेकर आया हूँ। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने सर्वे किया है कि लोकसभा इलेक्शन 2019 में पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। मैं बता दूं, ये सबसे ताजा सर्वे इंडिया टीवी सीएनएक्स का, ये उम्मीदवार घोषित करने के बाद ये सर्वे किया गया। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती थी। पश्चिम बंगाल में जो टोटल सीटें हैं लोकसभा की, वो 42 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी की पूरे देश में लहर थी, पर पश्चिम बंगाल में वो सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। वही टीएमसी जो सत्ताधारू पार्टी है, वो 24 सीटें जीती थी। वही कांग्रेस 4 सीटें जीती थी। वही लेफ्ट पार्टी 2 ही सीट जीत पाई थी लोकसभा इलेक्शन 2014 में। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में क्या निकल कर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है लोकसभा इलेक्शन 2019 में। टोटल सीटें जो हैं पश्चिम बंगाल में वो 42 सीटें हैं। सर्वे में निकल कर ये आ रहा है कि बीजेपी यहां पर 8 सीटें जीत सकती है। चार 2014 में सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई थी, यहां पर 6 सीटों को फायदा होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। टीएमसी यहां पर 32 सीटें जीत सकती है, जहां 2014 में 34 सीटें जीती थी, यहां पर 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। 32 सीटें जीत सकती है ममता बनर्जी की पार्टी। कांग्रेस यहां पर 1 सीट जीत सकती है, जहां 2014 में 4 सीटें जीती थी, यहां पर 3 सीटों को भारी नुकसान होता दिख रहा है, 1 सीट ही जीत सकती है कांग्रेस पार्टी 2019 के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में। लेफ्ट पार्टी 1 सीट जीत सकती है, जहां 2014 में 2 सीटें जीती थी, यहां पर 1 सीट का नुकसान होता दिख रहा है लेफ्ट पार्टी को। चलिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन 2019 में पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।